युधिष्ठिर महाराज के राजस्व यज्ञ में जब दमघोष का पुत्र शिशुपाल, जब क्या हुआ, इसका कृष्ण के जन्म के साथ ही जब इसका जन्म हुआ, तब से ही कृष्ण के प्रति द्वेष भाव रखता था, गालियां देता था कृष्ण को। इस कारण उस सभा में भी कृष्ण का अग्र पूजा उसको सहन नहीं हुआ, क्या किया, अपमान करना वहाँ भी शुरू कर दिया, अपराध करना। उसके बाद भगवान ने चक्र से उसका गला काट दिया, उसकी आत्मा निकली और भगवान के चरणों में समा गई। यह देखकर युधिष्ठिर महाराज नारद जी से प्रश्न किया कि ऐसे कैसे हो गया, ये जन्म से ही आपको गाली देता था, फिर भी इसकी आत्मा आप में कैसे समा गई, ये इतना दुष्ट था। जबकि राजा बेण, अंग का पुत्र राजा बेण, क्या किया, भगवान से द्वेष किया, अपने आप को भगवान मान बैठा था। वो बोलता था कि ऋषि महर्षियों को बोलता था कि राजा जो है ये भगवत स्वरूप होता है, जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं सब राजा के अंदर भी आते हैं, इसलिए मेरे पूजा करो, ये बेण कहता था। जो ब्राह्मणों ने क्या किया, अपने तेज से उसको वो मृत्यु गिरा दिया और नर्क में नर्क चला गया वो। लेकिन उसी वंश में जो पृथु महाराज जो राजा बेण के शरीर को मंथन किया गया, वहाँ से पृथु महाराज निकले और पृथु महाराज के प्रभाव से उसका नर्क से उद्धार हुआ है। लेकिन यहाँ वो भी द्वेष किया भगवान से, लेकिन उसको तो नर्क मिला, लेकिन शिशुपाल भगवान में समा गया। तब नारद जी ये सब चरित्र सुनाए, किस तरह से जय विजय को श्राप मिला, सब सुने आपने, किस तरह से जब ब्रह्मा जी ने ये बताया कि भगवान की स्वरूप भी है और तुलसी की गंध को उनके नाकों में पहुंचाया, तो ये भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ जा रहे थे सप्तम द्वार पे, वहाँ जय विजय इनको रोक लिए। भगवान की इधर बीर रस की जो आस्वादन करने की इच्छा हुई थी, एक कारण बना। दूसरा एक और कारण था, मैं संक्षेप में कर रहा हूँ, दूसरा एक और कारण था, एक समय जो लक्ष्मी जो है कुछ ऐसी अवस्था में थी, उस समय उन्होंने प्रवेश करते हुए रोका था लक्ष्मी को उन्होंने प्रवेश करते हुए रोका था, इस कारण वहाँ भी एक जो है वो भी एक कारण बना। तो मुख्य रूप से वीर रस की आस्वादन नारायण करना चाहते हैं, और जब तक विरोधी भाव नहीं हो, जब तक समान योद्धा नहीं हो, तो वीर रस की आस्वादन नहीं होता, इस कारण जो है ये भगवान की इच्छा से ही हुआ। इस इधर दूसरी तरफ जो कश्यप प्रीति और दीति के अंदर कांप जगह कश्यप ऋषि के साथ जो असमय बेला तीसरी संध्या मिल रही है, रात्रि जो दिन जा रहा है रात्रि आ रही है, उस समय कश्यप ऋषि के संग किया। इस कारण कश्यप ऋषि ने वहाँ स्त्रियों को बहुत ही ये किया, वहाँ बहुत ही गाली, मतलब बहुत ही कह रहा कि स्त्री कैसी होती हैं, ये सब बहुत वर्णन है वहाँ। उस समय दीति बहुत ही लज्जित हुई, लेकिन फिर कश्यप ऋषि ने कहा कि तुम्हारा जो पुत्र होगा बहुत ही दुर्दांत होगा। इधर वहीं जय विजय का वहाँ से पतन हुआ, राक्षस होने के लिए जो चतुर्सन ने श्राप दिया था, यहीं दीति के गर्भ में आए। और दीति ने जब कश्यप ऋषि से सुना कि हमारा पुत्र इतने दुर्दांत होंगे जो समस्त जगत की पीड़ा देने लगेंगे, तो गर्भ को उन्होंने धारण 100 वर्ष तक धारण किया। ये सोचती थी कि प्रकट ही नहीं हो, 100 वर्ष तो धारण किया। उसके बाद क्या हुआ, ये जितने भी नक्षत्र चंद्र इत्यादि जो हैं नक्षत्र, इसकी तेज फेंका पड़ गया, तरह तरह के उल्कापात होने लगे, रास्ते में जो सियार इत्यादि रोने लगे, तरह तरह के जो अमंगल सूचक सब जितने होते हैं ये सब दिखाई देने लगे। उस समय सब देवता इत्यादि भयभीत हो गए और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो कश्यप ऋषि के अवीर जो है दीति के गर्भ में पल रहा है, ये जगत को बहुत ही पीड़ा देने वाला है। उसके बाद जो कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ, जन्म लेते ही महा बड़ा पर्वत के समान हो गए इत्यादि। इधर जो है हिरण्यकश्यप
जो है बहुत ही मतवाला हो रहा था, उसके समान कोई योद्धा नहीं था। वरुण के पास गया। वरुण ने कहा, मैं तो अभी युद्ध करने की मेरे अंदर शक्ति नहीं रही, तुम विष्णु के पास जाओ, विष्णु जो है तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी, तुम्हारे समान योद्धा हैं, उससे तुम्हारा युद्ध करो, तुम्हारा इच्छा पूरा होगी। इधर जो है पृथ्वी को ले जाकर रसातल में डाल दिया। भगवान ब्रह्मा जी के जो नासिका से प्रकट होते हैं बराद रूप में, और वहाँ जो है पृथ्वी को निकालते हैं, धूरी पर स्थापन करके फिर क्या करते हैं, वो हिरण्याक्ष को वध करते हैं। वहाँ बहुत ही कितने हजार साल युद्ध हुआ है, जिसमें हिरण्याक्ष ने भगवान के हाथ से गदा तक गिरा दिया है, जिसमें सब देवताओं हाय हाय कर चुके थे उस समय। ये सब हुआ, हिरण्याक्ष मारा गया। इधर दूसरी तरफ हिरण्यकश्यपु जो है अपने भाई के मौत से मारा गया, इस कारण बहुत ही शोकाकुल है, और जो अपने माता को बहुत ही आत्मक कैसे नित्य है, इसकी मृत्यु नहीं होती, ये सब बहुत ही उपदेश दे रहा है। और जो सुयज्ञ राजा हैं उनकी कहानी भी आपने सुनी है, किस तरह से सुयज्ञ राजा के उदाहरण देके उन्होंने बताया और कहा कि जो है हे माता, जो है क्या है, ये शरीर तो अनित्य है, और जो वहाँ जैसे यमराज आए कहे कि सुयज्ञ की जो शरीर छद विच्छद हो गया है अस्त्र शस्त्रों से, तो उस समय जो यमराज समझाते हैं कि तुम्हें वो ये कभी नहीं आ सकता है, अगर अगर मर गया है तो कहीं गया तो आ सकता है, अगर तुमने ये शरीर तो यहीं पड़ा है, आत्मा रही नहीं, तुमने आत्मा को देखा नहीं, फिर शोक किसके लिए कर रही हो, इत्यादि सब वहाँ बातें होती हैं। फिर यमराज जी एक कथा सुनाते हैं कि जंगल में जो है दो पक्षी रहा करते थे, वो पक्षी एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे, और जो एक बार जो है एक बहेलिया ने उसको जो मादा पक्षी था उसको फंसा लिया, और जो वो जो नर पक्षी ऊपर बैठा हुआ था वो देख रहा था उसको, ये कैसे कष्ट पा रही है, फड़फड़ा रही है जाल के अंदर। उसके बाद उसके भाव में इतना खो गया, तब तक शिकारी ने उसको भी निशाना लगा दिया और दोनों ही मारे गए। इसलिए बोले कि हे रानियों, तुम अपने सुयज्ञ राजा इसके लिए विलाप कर रही हो, अपना मौत तुमको नजर नहीं आ रहा है, इस तरह से समझाते हैं वहाँ। फिर जो बोलता है अपने शांत कर देता है समझा के, बोलता है कि जो है फिर इधर असुर के सभा में अपने सभा में आता है, जितने असुर हैं इकट्ठा होते हैं, बोलता है कि विष्णु मेरे जो है भाई का हंतारक है, इस कारण मैं विष्णु के मारने के लिए मैं शक्ति प्राप्त करने जा रहा हूँ, आप लोग क्या करो, आप लोग जो है जितने विष्णु के लिए यज्ञ होते हैं उसको नष्ट करो, सर्वप्रथम यज्ञ को नष्ट करो, फल के वृक्ष को काट दो, गाय को मार दो जिससे घी इत्यादि निकलता है, जो जिससे यज्ञ ऋषि लोग यज्ञ करते हैं, विष्णु जो है बलवान हो जाता है, सबको नष्ट करो, इस विष्णु को कमजोर करो, मैं शक्ति प्राप्त करके आता हूँ। आपने सुना है किस तरह से 60,000 वर्ष तक जो है तपस्या किया, शरीर को दीमक खा गए, फिर जो है ब्रह्मा जी आते हैं, उनको वरदान देते हैं। ब्रह्मा जी जब वरदान देते हैं तो फिर पहले के जैसा और भी उससे बलवान हो जाता है, फिर इधर आता है और जो सबसे पहले स्वर्ग पे धावा बोल देता है। इस तरह से बहुत ही समस्त ग्रहों को, जो जितने भी लोकपाल इत्यादि हैं सबको बंदी बनाकर रख लेता है। इधर जो इसके पहले एक और घटना घट जाती है कि जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला जाता है तो इधर नारद जी कयाधु नाग पत्नी हैं, हमने सुना है कयाधु जो नाग पत्नी है, इसलिए ये असुर नहीं है, इस कारण जो ये प्रहलाद की जननी बनी, और फिर जो है इंद्र ने पकड़ के ले जा रहे थे इसके, जो प्रहलाद भी गर्भ में हैं, तो इनकी जो ये वो तो तपस्या करने गया है, इसका जो बीज है ये भी नष्ट करने के लिए, लेकिन रास्ते में नारद जी मिलते हैं, बोलते हैं कि इसके गर्भ में जो है ये इतना भगवान के परम भक्त है कि सारे सृष्टि के लोग अगर मिल जाएं फिर भी इसको नहीं मार सकते, इसलिए इंद्र इसको छोड़ दो। फिर कयाधु को अपने आश्रम ले जाते हैं, वहाँ जो 60,000 वर्षों तक हरिकथा सुनाते हैं। प्रहलाद जी गर्भ के अंदर ही सब कुछ समस्त शिक्षाएँ, जितना जो परम भगवान की परम भक्ति
भक्ति भक्त तो हैं ही, समस्त कथाएं वहाँ वो श्रवण करते हैं। उसके बाद हिरण्यकश्यपु की तपस्या पूरा होता है, फिर आता है इधर प्रह्लाद जी के जन्म हो जाता है। और प्रह्लाद जी परम भगवत भक्त हैं शुरू से ही। अब जो है प्रह्लाद जी क्या कर रहे हैं, एक समय वो जो संडमर्क हैं, जो वहाँ असुरों का जो गुरुकुल है, एक हौबिलम में एक जगह है जहाँ हम लोग गए थे, वहाँ जो प्रह्लाद विद्यालय है, प्रह्लाद जी का विद्यालय है वहाँ, जो वहीं वो पढ़ाते थे हौबिलम, हम लोग गए थे वहाँ, प्रह्लाद जी की पाठशाला है। तो उसमें संडमर्क जो है इसको शिक्षा देते हैं, साम दाम दंड भेद इत्यादि। ये प्रह्लाद जी ऊपर से सुन लेते हैं, हाँ हाँ भी कर देते हैं, लेकिन अंदर से इसको जो है असार समझ के इसको ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसा होता है। जब हिरण्यकश्यपु आया, अपने पुत्र को देखने की इच्छा हुई कि मेरा पुत्र जो है अध्ययन कर रहा है, क्या सीखा, किस तरह से लोगों को पीड़ा दिया जाता है, किस तरह से लोगों में फूट डाला जाता है, ये सब इसके मुँह से मैं सुनूँ। जब दिया तो बोला कि पला तुम उत्तम शिक्षा क्या तुमने ग्रहण किया है इसको बताओ। तो बोले कि सबसे बोले बोले तत्साधु मन्य सुरबर देहिनाम सदा समुद्री ध्याम असत गृहात हित्वा आत्पातम गृहंध कूपम बनोगतो यद हरिमाश्रे। ये पहला शिक्षा बोले, इस देख के बहुत हंसता है पाला जी। बोले कि मैं उसको ही साधु मानता हूँ जो समस्त कुछ छोड़ के गृहंधकूपन, अंधकूप जो गृह है इसको छोड़ के जो वन में चला जाता है, वनम तो सात्विकम वासम, वन को सात्विक वास बताया गया, लेकिन मंदिर निर्गुण, मन निकेतन तो निर्गुण, मंदिर इससे भी श्रेष्ठ है। तो जो चला जाता है वहाँ, तो उसको मैं उत्तम अध्ययन मानता हूँ, वो उत्तम है, उत्तम साधु है। तो ये देख के हिरण्यकश्यपु बहुत हंसता है, बोलता है कि जो बच्चे की लगता है कोई बुद्धि बिगाड़ रहा है, कोई जो वैष्णव इस पाठशाला में आता है और जो इस तरह से बुद्धि बिगाड़ता है, तुम लोग ऐसा करो, उसको संडमर्क को बोला कि तुम देखो चेक करो कोई ऐसा आता है जो इसकी बच्चे की बुद्धि खराब कर रहा है, फिर जो है ऐसा छोड़ देता है। दूसरी बार जो सब समझाते हैं, तुम प्रह्लाद हमने तो ये नहीं सिखाया, तुमने कहाँ से सीखा, बहुत ही फिर अपना बुद्धि जितना उनके अंदर है सब सिखाते हैं और फिर उसके पास ले आते हैं दूसरी बार। फिर जो है दूसरी बार श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्ति चेतनव लक्षणा कीर्ति भगवती अध्या तन्मनोदितम। ये बोलते हैं उस समय जो हाथ से जो फेंक देता है प्रह्लाद जी को नीचे, हिरण्यकश्यपु फेंक देता है और बोलता है इस श्लोक में दो बार विष्णु आया है, दो, एक आया है जो परम तत्व विष्णु है उसके लिए, दूसरा विष्णु आया है गुरु के लिए। गुरु जी आश्रय तत्व हैं, विष्णु तत्व आश्रय हैं, इसके माध्यम से उसको अर्पण होगा। इति विष्णु अर्पिता भक्ति, भक्ति जो गुरु के माध्यम से अर्पण होगी, इस कारण टीकाकार बोला दो बार। तो ये जब श्लोक सुनता है कि विष्णु के दो बार विष्णु इसमें है और कृष्ण से श्रवण कीर्तन उसी के करना चाहिए, तब इसको बहुत गुस्सा होता है, नीचे फेंक देता है। अब जो कहता है कि हमारे चंदन बगिया में ये जो बबूल का कांटा कहाँ से उत्पन्न हो गया, अब जो है प्रह्लाद को तरह तरह की मारने की चेष्टा करने लगता है। प्रह्लाद को जो है पहाड़ से फेंकवा दिया नीचे, पहाड़ के नीचे उसको पहाड़ के नीचे दबवा दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। समुद्र के अंदर फेंकवा दिया, फिर भी नहीं कुछ हुआ। विष दिया अपने हाथों से, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर जो है क्या, जो सांप का जो सर्प है उसके अंदर अंधेरी कोठरी में, सर्प वाली कोठरी में फेंक करके फेंक दिया, फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। अब जो अस्त्र शस्त्र इत्यादि जितने हैं सबसे प्रहार किया, फिर भी उनको कुछ नहीं बिगड़ रहा है। उनकी एक बहन थी सिंह का या होली का, उन्होंने लेके जो अग्नि में उसको ब्रह्मा का वरदान था कि जलेगा, वो जलेगी नहीं, अग्नि उसको नहीं जला सकती, वो चीता में लेके बैठ गई। जब जरीर जलने लगा तो उठ के भागी और बोल रही कि ब्रह्मा जी के वरदान झूठा है, आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी के वरदान झूठा नहीं है, तुमने जो हमारे किसी विष्णु भक्त को तुम ऐसा अगर करोगे, ऐसा करोगी तो तुम स्वयं तुम जल के भस्म हो जाओगी, इस कारण ब्रह्मा जी के वरदान झूठा नहीं है, तुमने जो अपनी जो विद्या है इसका गलत उपयोग किया है, इस कारण सब कुछ
जो विफल रह गया। अब जो हिरण्यकश्यप जो है थोड़ा इसके अंदर ऐसा आ गया कि ऐसा यही विष्णु है यही, और ऐसा इसके पास क्या शक्ति है जो रक्षा कर रही है। अब पालाज से पूछ रहा है कि तू इसने जो बलि है तू हर बार बच जाता है, कौन शक्ति है जो तेरे को बचाती है। तो बोलते हैं कि जो सबके शक्ति संचार करने वाला है वही परम शक्ति विष्णु ही है, जिन जो हमको भी शक्तिमान बनाया है उसी के शक्ति से आप भी शक्तिमान है। भगवान ये सब समस्त बलों के केंद्र हैं। गीता में बोला है बलम बलम ताम अस्मि तेजस तेजस बिना महम, बोला है कि जो कुछ भी बल है देखने की सुनने की चलने की जो कुछ भी बल हमारे अंदर आती है समझने की सोचने की उसका मूल स्रोत कृष्ण ही है। तो आप लाज कर रहे हैं कि वही स्रोत हैं उनसे ही, तो तेरा विष्णु रहता कहाँ है। तो पाला जी बोल रहे हैं कि वो तो सब चीज में है, जहाँ कहो वहाँ दिखाई है, कण कण में वो व्याप्त है। तो कहते हैं कि तू इतना क्यों जो अपने आप को इतना ढीठ बनता है, और तेरा विष्णु इस क्या इस खम्भे भी है। तो बोलते हैं कि हाँ इस खम्भे भी हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अंधे हैं इस कारण वो दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ बोलते हैं सत्यम विदधातु निजभित भाषितम व्याप्ति भूतेश निखिलेषु च आत्मना अदृश्यताम अदृश्य तपि अद्भुत रूप उद्धन स्तंभे समायाम न मृगम न मानुषम। वो जो उसमें पहलाज की वचन को सत्य करने के लिए जब गुस्सा मारता है, जो खम्भे से भगवान अपने पहलाज की वचन को सत्य करने के लिए वहां से प्रकट होते हैं। निजभृत भाषितम व्याप्ति भूतिस, जो भगवान समस्त व्याप्त हैं, कृष्ण भगवान जो है सब सर्वत व्याप्त हैं, व्याप्तता दिखाने के लिए कि इस खम्भे भीमी हम व्याप्त हैं ये दिखाने के लिए, निज भृत उनके जो भक्त हैं उनकी वचन को रक्षा करने के लिए, और क्या अदृष्टाम अदृष्ट अद्भुत रूप उद्धन अद्भुत हाउ बिलम मतलब हाउ मिल अहो क्या क्या बल है क्या बल है, इसलिए हाउ बिलम उस स्थान की एक नाम भी है। तो जो इनका जो है रूप है अद्भुत रूप, ऐसा रूप देखा नहीं गया सुना नहीं गया, ऐसे रूप है नीचे जो है मनुष्य क्या है ऊपर जो है सिंह का, इस तरह से रूप में वो प्रकट होते हैं। उस समय जो है एक विचित्र प्राणी देख करके क्या करता है हिरण्यकश्यप उस पर गदा के प्रहार करने के लिए जो जाता है, लेकिन जैसे जो कोई प्रहार को चूहे मतलब कि प्रहार कोई करे वो देखते हैं देखते भगवान उसकी गदा को पकड़ लेते हैं। उसके बाद जो है जितने भी उनके अनुचर इत्यादि हैं सब आते हैं, सबको जो इतने अद्भुत रूप हैं कि वो हाथ से ही ऐसे करके सब भाग जाते हैं घुमाते हैं ऐसे कि कोई उनके पास फटकने पर, इतने अद्भुत रूप, और जो केस से जो ज्वाला निकल रही है बहुत ही उग्र रूप है, वहाँ जो कोई जाने में भयभीत है, इस तरह से हिरण्यकश्यप को गिरा कर अपने जो अपने ऊपर अपने जंघा के ऊपर रख लिया, और जो इधर इस पे आ गए गेट जो होता है दलील बोलते हैं जिसको उस पे आ गए, और ब्रह्मा की जितने भी वरजान थे जिस तरह से वो तपस्या करके जिस तरह से घुमा फिर आगे अपने को अमर मानता था वो सब विफल करते हुए भगवान ने क्या किया नाखून से उसका पेट फाड़ दिया, वहाँ पेट फाड़ दिया। और उस समय ये अधिक मास था सब कुछ था, इस तरह से भगवान ने वो किया उसका वध किया, उसके बाद नाड़ी निकाल के गले में लपेट लिया। फिर जो है उनका जो क्रोध शांत ही नहीं हो रहा है अभी भी, अब जो इधर देवताओं लोगों को चिंता हो गई सब लक्ष्मी को भेज रहे हैं, लक्ष्मी तो डर के मारे गई नहीं। फिर जो है उस समय सबने प्रार्थना करते हैं, सब प्रार्थना सबने स्तुति किया है ब्रह्मा इंद्र इत्यादि, फिर भी वो शांत नहीं होते हैं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि पहला तुम्हारे कारण ही तुम्हारे पिता ने ऐसा किया है, इस कारण जो है तुम्ही उनकी क्रोध को शांत करो। फिर जो पाला जी वहाँ जाते हैं तो बहुत ही स्नेह से नरसिंह भगवान उसके सिर पर हाथ फेरते हैं उनको चाटने लगते हैं। बंद कर उपदेश तो बोला नहीं मारे, चलो चलो। तो इस तरह से भगवान असुर कुल में उत्पन्न होते हो गए, पाला जी असुर कुल में उत्पन्न हैं, फिर भी जो है किस तरह से इनकी
श्रेष्ठा है प्रहलाद जी की, जिसके लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए। प्रहलाद ने की वर मांगने को बोला, नरसिंह ने कह रहा प्रहलाद जी कुछ मांग लो, लेकिन प्रहलाद जी बोले कि जो मेरे पिता हैं आपसे प्रति बहुत द्वेष करते थे, इस कारण जो है उनका पहले तो कल्याण हो। तो नरसिंह मानव उनका कल्याण हो गया, तुम्हारे जैसा त्रिशब्दी पिता पुत्र पितृ भी ते अनगह अत्र गृह साधो भवान और कुल पावना। बोले कि तुम्हारे जैसे भक्त अगर एक कुल में उत्पन्न हो जाता है, उसका जो एक ही पीढ़ी आगे पीछे का उधार हो जाती है, कनिष्ठ जो मध्यम है 14 पीढ़ी, कनिष्ठ का 7 पीढ़ी, ये सब बताया। इस तरह से जो जाति पाति का कोई विचार नहीं, असुलकुल में भगवान जो पालाजी उत्पन्न है, फिर भी देखो स्वच्छ कुले स्वच्छ देशे अपन समान जनमैया वैष्णव सबरे करे त्राण, जे कुले जे देशे वैष्णव अवतरे तहर प्रभावे लक्ष्य कोटि निस्तरे। बोल रहे ना, अपवित्र कुल में अपवित्र देश में भगवान अपने भक्त को जन्म देते हैं, क्यों, उस देश की कल्याण करने के लिए, और उसका ऐसा प्रभाव होता है कि उसके लक्ष्य जो योजन उसके प्रभाव से उदार हो जाता है। ऐसा जो भक्त सर्वभूत वत्सल सबर उपकारी ईश्वर संगे प्रति जन्मे अवतरी, यहाँ से निर्पार विष्णु वैष्णव सपन उहार दृष्टि ना जाए विपत्ति। सब चैतन्य चेतन बहुत ही किस तरह से भक्त किसी कुल में भी उत्पन्न हो, सर्वभूत वत्सल सबका हित चाहते हैं जो भक्त होते हैं। ये हिरण का यहाँ जो प्रहलाद जी को मारने को हिरण का विरोध कर रहा है, मारने की इच्छा कर रहा है, लेकिन वास्तव में प्रहलाद जी हिरण का कल्याण चाहते हैं, इनकी बुद्धि बिल्कुल स्थिर है, ये कल्याण ही चाहते हैं। तो इस तरह से जो सर्वभूत वत्सल हैं, सबर उपकारी सबके उपकार चाहते हैं, ऐसे वैष्णव भी होते हैं सबके उपकार। पिवंती नद्या स्वयं नंभा स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा नादंती स्वयं खलु वारी वाह परोपराय सताम विवृत्य। नदियाँ अपने जल स्वयं नहीं पीती, वर्षा जो बुध गिराते हैं उससे जो अन्न उत्पन्न होता है स्वयं नहीं खाते, और क्या खादन वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदियों जो वर्षा होती है नदी अपना स्वयं पानी नहीं पीती, जो वर्षा होता है उससे उपजाए हुआ अन्न स्वयं वर्षा नहीं खाता। ऐसे ही सताम वृत्ति क्या होता है, परोपकार, दूसरे के उपकार के लिए साधु वृत्ति होती है। ये सब जो प्रहलाद जैसे साधु में ये देखा जाता है, हमारे गुरु वैष्णव में ये देखा जाता है, उनकी वो जो उनकी परिवार जो है पूरा संसार ही उनकी परिवार है। ये मेरा पर नहीं होता कि मेरा शिष्य है उनका शिष्य, ऐसी भेदभावना नहीं होती। इसलिए प्रहलाद जी के चरित्र जो है साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इससे जो किस तरह से सहनशीलता किसी को होनी चाहिए, क्या हम लोग थोड़ा सा कष्ट पड़ता है भाग जाते हैं, घर बाद नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे, क्या प्रहलाद जैसा तुमको कष्ट पड़ा, क्या गोस्वामी जैसा तुमको तुम्हारे ऊपर कष्ट पड़ा, ऐसा धूप का पहाड़ टूटा कभी, तो ऐसा नहीं हुआ ना। इस कारण जो है छोटे छोटे ये चीज से प्रहलाद चरित्र में बहुत ही सहनशीलता की शिक्षा मिलती है, उनकी विशेष रूप से उपदेश इत्यादि है वो अत्यंत हमारे लिए बहुत ही फायदामंद है, हमारे जो उत्साह बढ़ाते हैं। कुमार आचरित इत्यादि कितने कितने श्लोकों में जो सब उपदेश दिया गया, बाल अवस्था से कैसे भजन करना चाहिए, ये उनके चरित्र से शिक्षा मिलता है। अनेक अनेक उपदेश अभी महाराज जी बोलेंगे, बहुत टाइम हो गया। वंशा कल्पतरु व्यस्य कृपा सिंधु व्यवच पुत्र नाम पावन विष्णु नम हरे कृष्ण बोला बहुत टाइम बोला आज बोला आज बोला टाइम क्यों देख रहे हो, हम तो आधा घंटा बोलेंगे। हरे अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूँ।
तदुपरांत समस्त रूपानंद गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। पिछली बार हम श्रवण कर रहे थे श्री वेणुगीत के अंतर्गत किस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने शरद ऋतु के आगमन का वर्णन किया, और शरद ऋतु का वर्णन करने के पश्चात जब कृष्ण ने वन की बड़ी सुंदर शोभा को देखा, उसका दर्शन करके किस प्रकार वहाँ पर भ्रमर शुक पक्षी इत्यादियों के मधुर कलरव को श्रवण करके कृष्ण की भी इच्छा हुई वेणुवादन की। उन्होंने अपने सखाओं के साथ में वेणुवादन किया और वेणुवादन की मधुर ध्वनि उसकी मधुर ध्वनि समीर के साथ में वायु के साथ में बहती बहती जब ब्रज गोपियों के कानों में गई, कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करती हुई उन्होंने उनके हृदय के सारे भावों को और जागृत कर दिया। जिस प्रकार समुद्र के अंदर लहरें उच्छलित होती है उसी प्रकार गोपियों के हृदय में भी अनेक अनेक भाव उद्भासित होने लगे। यहाँ पर बतला रहे हैं श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कि ब्रज के प्रत्येक जीव के अंदर कृष्ण के प्रति एक एक भाव प्रकट हैं, और जागतिक अर्थात स्त्री पुरुष और पशुओं की तो बात ही छोड़ दो, सावर जंगम इन्हें भी ये वंशी ध्वनि मोहित कर देती है। जिस जिस प्रकार जिस जिस जीव का जिस जिस प्रकार का भाव है कृष्ण के प्रति, जैसे जिन सखाओं का सख्य भाव है पिता नंद बाबा यशोदा इत्यादि जो मातृस्थानीय गोपियाँ हैं उनका वात्सल्य भाव और किशोर गोपियों का मधुर भाव, तो उसी के अनुरूप वंशी ध्वनि ने उस भाव को और ज़्यादा उद्दीपन प्रदान किया। और उसके बाद में बतला रहे हैं कि कृष्ण यहाँ पर कृष्ण के हृदय में भी बहुत सारे भाव रहे होंगे जिसके बारे में हमने पिछली बार श्रवण किया था। साधारणतः विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि साधारणतः इस जड़ जगत में देखा जाता है कि एक नायक और नायिका के मिलन में नायक की उत्कंठा ज़्यादा होती है नायिकाओं से मिलने की, किंतु अप्राकृत वृंदावन के अंदर क्या है कृष्ण की अपेक्षा श्री ब्रज गोपियों में ये उत्कंठा ज़्यादा देखी जा रही है। श्री ब्रज गोपियाँ कृष्ण से मिलने के लिए ज़्यादा उत्कंठित हैं, इसलिए उनके हृदय में जो भाव उद्भासित हो रहे हैं उनका विशेष रूप में वो टीका में वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन ये साधारण जड़ जगत के काम की समान नहीं है, क्योंकि एक नायक नायिका के साधारण जड़ जगत का, क्योंकि ये जगत उसका विपरीत है। तो यहाँ पर यहाँ के काम क्रीड़ा को यदि ये निंदनीय है, यहाँ के अंदर किसी स्त्री और पुरुष के बीच में जो काम होता है प्रेम होता है वह निंदनीय है और वह नरकगामी है, अधोगति को वो प्रदान करेगा। किंतु यदि कोई राधा कृष्ण के अप्राकृत काम को उनकी सुंदर लीलाओं को श्रवण करे तो क्या होगा, श्रवण करने वाले का भी कल्याण है और वर्णन करने वाले का भी कल्याण है। इसलिए विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ सावधान भी कर देते हैं, बीच बीच में बता रहे हैं कि जैसे अग्नि एक काष्ठ इत्यादि ईंधन जो होते हैं उनके अंदर अग्नि विराजमान रहती है, लेकिन क्या होता है वायु के जैसे वनों में होता है ना, अमेज़न के जंगल में देखा जाता है किस प्रकार वर्षों के वृक्षों के घर्षण से और आग अग्नि निकल जाती है प्रज्वलित हो जाती है, तो उसी प्रकार इससे क्या पता लगता है कि काष्ठ के अंदर काष्ठ इत्यादि ईंधन के अंदर अग्नि तो विराजमान है लेकिन वायु के अनुकूल प्राप्ति से उनके अंदर वह अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। उसी प्रकार गोपियों के हृदय में भी अनेक अनेक भाव हैं कृष्ण के प्रति, लेकिन वेणुनाथ का श्रवण करने के बाद में वे सारे भाव प्रकाशित होने जा रहे हैं और उनके हृदय के अंदर अगाध समुद्र है भावों का, लेकिन उन्होंने अगस्त ऋषि जिस प्रकार अगस्त ऋषि ने अगाध समुद्र को एक चुल्लू भर में पान किया था, उसी प्रकार गोपियों ने भी अपने भाव समुद्र को अपने हृदय के अंदर धारण करके रख रखा है। जब कृष्ण की ऐसी मधुर ध्वनि वेणु नाद उन्होंने श्रवण करी तो उसका वर्णन करने के लिए वे जा रही थी, और वर्णन करते करते ही क्या हुआ वह भाव विभोर हो गई, कृष्ण का सुंदर स्वरूप उनके सामने आ गया और वे वर्णन करने में असमर्थ हो गई। तब यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद, क्योंकि वे तो सर्वज्ञ हैं, तो सुखदेव गोस्वामी पाद ने यहाँ पर वर्णन किया है किस सुंदर स्वरूप का श्री गोपियों ने दर्शन किया। ये सुखदेव गोस्वामी कौन है, प्रिया शुक श्री विश्व भानुजाया, साधारण नहीं है, राधा रानी के शुक पक्षी हैं श्री शुक, तो इसलिए उन्होंने गोपियों के हृदय के भावों को जानते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बड़े सुंदर रूप में वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण का क्या स्वरूप गोपियों के हृदय में आविर्भूत हुआ। कह रहे हैं बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वास कनक कपिशयम वैजयंतिम चमालाम
रंध्रान वेणुर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम शपद रमणम प्राविशस गीत कीर्ति। विष्णा चक्रती ठाकुर एक एक शब्द का बड़ा सुंदर व्याख्या करते हुए कहते हैं बरहा पीड़म, अर्थात कृष्ण ने अपने सिर पर मयूर पुच्छ धारण कर रखा है। जब नंद भवन से वन के लिए गौचारण के लिए आ रहे हैं उस समय पर उनके काले काले घुंघराले केश बड़े सुंदर सुशोभित हो रहे हैं, उसमें भी सारे केशों को इकट्ठा करके और बीच में उन्होंने चूड़े के रूप में सुसज्जित कर लिया है, और चूड़े के चारों तरफ क्या है मणियुक्त चूड़ा आभरण है और उसमें भी बीचों बीच मयूरपुच्छ धारण कर रखा है। यहाँ विष्णा चक्रती ठाकुर कहते हैं मयूरपुच्छ क्यों धारण करते हैं कृष्ण, उसके अनेक 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 कारण बतलाए गए हैं। मयूरपुच्छ धारण करने के कई कारण बताए विष्णा चक्रती ठाकुर ने, कुछ जो मुझे स्मरण आ रहे हैं मैं आपको बतलाता हूँ। पहला कारण बताते हैं वो कि मयूर के ये मयूरपुच्छ जो होता है उसके अंदर श्रीमती राधा रानी का नाम है, तो इसीलिए कृष्ण क्या करते हैं उनको राधा रानी सबसे प्रिय है तो कृष्ण उस मयूरपुच्छ को अपने सिर में धारण करते हैं। उसके बाद में दूसरा कारण बतलाते हुए कह रहे हैं कि मयूर ब्रह्मचारी है, मयूर ब्रह्मचारी है। जब मयूर और मोरनी का साधारण मिलन नहीं होता, कई कोई कोई लोग बतलाते हैं कि मयूर के अश्रु जब गिरते हैं वे अश्रु को पान करके ही मोरनी गर्भ धारण करती है, तो इसलिए मयूर ब्रह्मचारी है। तो उस ब्रह्मचारी और कृष्ण को ब्रह्मचारी अत्यंत प्रिय है, ब्रह्मचारी मतलब जो निष्काम होते जिनके हृदय में कोई कामना नहीं, तो कृष्ण को ब्रह्मचारी बड़े प्रिय है इसीलिए वह मयूरपुच्छ धारण करते हैं। तीसरा कारण बतला रहे हैं कि कभी श्री राधा रानी मोरनी बनी थी, मोरकुटी की। हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते जब जाते हैं बरसाना में तो वहां गहवर वन में एक स्थान है मोरकुटी, तो वहां की लीला के बारे में विष्णा चक्रती ठाकुर बताते हैं कि कभी श्रीमती राधा रानी और कृष्ण बैठे थे तो राधा रानी कृष्ण से कहती हैं कि आप क्या करो कृष्ण, हे कृष्ण आप मेरे सुंदर आप मेरे रूप का वर्णन करो। तभी कृष्ण चांदनी रात थी तो चंद्रमा की तरफ देखकर और उन्होंने श्रीमती राधा रानी के मुख कमल को देखा और श्रीमती राधा रानी के मुख कमल के वर्णन करते हुए कहते हैं कि चंद्रानी, श्री राधा रानी के मुख का मुख की तुलना कर रहे हैं एक चंद्र से, पूर्ण चंद्र से। जिस प्रकार पूर्ण चंद्र पूरा गोल होता है और सुंदर उज्ज्वल उज्ज्वल होता है उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी का मुख कमल है। लेकिन जब वो बोल रहे थे चंद्र आननी तो चंद्र बोला और उसके बाद में थोड़ा रुक गए और बाद में कहते हैं आननी, तो जैसे कृष्ण ने बोला चंद्र तो श्रीमती चंद्रा हाँ कि बोलते हैं चंद्रा और उसके बाद में आननी, तो जैसे बोलते हैं चंद्रा तो राधा रानी को लगता है मानो कृष्ण को चंद्रावली की याद आ गई, कृष्ण को चंद्रावली की याद आ गई। तो ये सुन के राधा रानी बड़ी रुष्ट हो जाती है, वह मान धारण कर लेती कि कृष्ण तुम जिस प्रकार बाहर से दिखने में काले हो अंदर से भी वैसे ही काले हो, क्यों? क्योंकि तुम बैठे हो यहां पर मेरे साथ में और तुम्हें चंद्रावली का स्मरण आ रहा है। तब मानो कृष्ण कहते हैं यहां पर कि नहीं चंद्रावली का स्मरण नहीं, मैं तुम्हारा रूप का वर्णन कर रहा हूं चंद्र से, चंद्र आननी में कहना चाह रहा था। तभी राधा रानी यहां पर कहती है कि चंद्र आननी अर्थात तुम मेरे मुख कमल की तुलना चंद्र से कर रहे हो। जिस प्रकार चंद्र चंद्र की अलग कलाएं होती है, 15 दिन चंद्र घटता है 15 दिन बढ़ता है, क्या मेरा रूप भी उस प्रकार है? क्या मेरा रूप भी बढ़ता है और घटता है? और तुमने देखा होगा चंद्र में किस प्रकार दाग है, क्या मेरे मुख कमल में भी दाग है? तो इस प्रकार कृष्ण की उस तुलना को रूप माधुरी का जो वर्णन है उसको सुनकर राधा रानी बड़ी रुष्ट हो जाती हैं और मान धारण करते हुए कभी कुंज में चले जाती हैं। अभी कृष्ण राधा रानी का मान भंजन करने के लिए क्या करते हैं, ललिता के पास में जाते हैं, बोले ललिता तुम ही कुछ उपाय बताओ। तभी श्री ललिता जी उन्हें कहती कि राधा रानी को मयूर नृत्य बड़ा पसंद है, तो कृष्ण वहां पर मयूर रूप धारण करके और वहां पर सब मयूर जो होते हैं उनके साथ में नृत्य करना आरंभ कर देते हैं। नृत्य आरंभ कृष्ण वहां पर थिरक थिरक कर नृत्य कर रहे हैं मयूर की भांति, और श्री राधा रानी जब ये मयूर नृत्य देखती हैं तो वे बड़े आनंदित हो जाती हैं और देखती हैं कि सारे मोर तो एक तरह का नृत्य कर रहे हैं किंतु ये एक मोर है इसका विशेष ये अलग ही तरह से नृत्य कर रहा है। तब श्री राधा रानी ललिता से पूछती है कि बोले ललिते ये एक बात बताओ कि मेरा मन तो श्री कृष्ण के अलावा और किसी के प्रति आकर्षित नहीं होता, लेकिन ये एक मयूर को देखकर मेरा मन क्यों आकर्षित हो जा रहा है, और सब मयूर का नृत्य तो एक तरह का है और इस मयूर का नृत्य कुछ विभिन्न प्रकार का लग रहा है। तब ललिता जी कहती हैं कि ये कोई और नहीं ये श्याम सुंदर ही है, तुम्हारे मान भंजन करने के लिए इन्होंने मयूर रूप धारण किया। तब श्रीमती राधा रानी भी मोरनी बनती है और दोनों वहां पर नृत्य विलास करते हैं और तब जाकर श्री राधा कृष्ण का मिलन होता है। हम सुनते हैं ना बरसाने की मोर कुटी पे
मोर बन आयो रसिया, कीर्तन में है ना। तो कृष्ण कार श्रीमती राधा रानी और कृष्ण ने मयूर बन के और नृत्य किया था, इसीलिए मानो ये कारण बता रहे कृष्णा चक्रती ठाकुर कि मयूर पुच्छ धारण करते हैं कृष्ण इसी कारण से। और एक कारण बतला रहे हैं कि जिस प्रकार आकाश में जब इंद्रधनुष होता है कृष्ण के सिर पर जो मयूर पुच्छ है वो मानो इंद्रधनुष जैसा शोभायमान हो रहा है। कृष्ण का स्वरूप कैसा है? नव जलधर मेघ जैसा, और उसके ऊपर जो अर्धचंद्राकार में मयूर पुच्छ लगा हुआ है वो मानो इंद्रधनुष की तरह शोभायमान हो रहा है। और एक कारण बतला रहे हैं कि कृष्ण मयूर का नृत्य करता है। आपने देखा होगा जब आकाश में काले काले मेघ छा जाते हैं और उसमें बिजली चमक रही हो, और आकाश से घड़घड़ घड़घड़ शब्द हो रहा हो, तो शब्द को सुन के और ये सब देखकर मयूर बड़ा आनंदित हो जाता है और अपने पंख फैला के और सुंदर सुंदर नृत्य करने लगता है। तब यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, जब कृष्ण ने वेणुनाद किया तो कृष्ण का वेणुनाद सुनकर बड़ा आकर्षित हो गया। कृष्ण का वेणुनाद सुन के मयूर बड़ा आकर्षित हुआ। कृष्ण का स्वरूप कैसा है? कृष्ण का स्वरूप है नव जलधर मेघ जैसा, उसके ऊपर पीतांबर शोभित है श्री बिजली जैसा, और जो वेणुनाद है वो वेणुनाद मानो आकाश के बादलों का शब्द हो रहा हो, तो उसको सुन के और वहां पर मयूर नृत्य करना आरंभ कर देता है। अभी नृत्य कोई व्यक्ति कब करता है? जब आनंद में। तो ये मयूर को यहाँ जो आनंद हो रहा है किसके कारण? कृष्ण के कारण। तो अभी कुछ उपहार देना चाहिए, तो मयूर ने क्या किया? उसके पास तो कुछ है नहीं, तो अपने पंख को झाड़ दिया। और कृष्ण ने क्या किया? ये उपहार किसका? प्रेम का वस्तु है, तो उस प्रेम की वस्तु को ग्रहण करके और मस्तक पर धारण किया है। ये एक कारण बता रहे हैं। और एक कारण बतलाते हुए कहते हैं कि कभी कृष्ण राजमार्ग से जा रहे थे तो वहां पर एक मयूर पुच्छ पड़ा हुआ था, तो कृष्ण ने उससे प्रश्न करते हैं, भैया तुम यहाँ क्यों पड़े हो मेन रोड पे? तो वो कहता है कि मेरा कोई आश्रय नहीं है, मेरा मालिक ने भी मुझे त्याग दिया है। तभी कृष्ण उनको आश्रय प्रदान करते हैं। कृष्ण क्या करते हैं? उसको सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं। अर्थात कृष्ण सबके आश्रय हैं। ये भी एक बात बतला रहे हैं, ये भी एक कारण बतला रहे हैं विश्वनाथ चक्रती ठाकुर। इसलिए कह रहे हैं बरहा पीड़म, अर्थात कृष्ण ने अपने सिर पर मयूर पुच्छ धारण कर रखा है। उसके बाद कह रहे हैं नटवर वपु, इसको कल व्याख्या करेंगे। वांछा कल्पतरुवश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीनिवास आचार्य जी किनके शिष्य थे? नहीं, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। मज्ञान्ते मिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्रुत श्री श्रीमद् शील भक्ति वेदांत शील नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। पूज्य पाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरे यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आज विशेष तिथि है, माधवेंद्रपुरी पाद जी का आविर्भाव तिथि है, और हमारे संप्रदाय में माधवेंद्रपुरी पाद जी को जिस प्रेम को श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु दान करने के लिए आए हैं उस प्रेम का अंकुर बताया गया है। एक श्लोक है जिस श्लोक का अर्थ केवल भगवान कृष्ण, राधा रानी और माधवेंद्रपुरी ही जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी और माधवेंद्रपुरी जानते हैं। क्या श्लोक है वो? जिस ऐ दीन दया नाथ ए मथुरा नाथ कदा वलोक्य से
हृदयम त्वद आलोक कात्रम दैत भ्राम्यते किम करोमि अहम। ये राधा जी ने श्लोक बोला था कृष्ण के विरह के अंदर। इस श्लोक का बहुत गूढ़ अर्थ है। राधा जी का विरह किस प्रकार का होता है? राधा जी का विरह चरम अवस्था को प्राप्त होता है, प्रेम विचित्ते को। गौर निताई नीताई करुणा ही वे राधा कृष्ण पावे नीताई। तो माधवेंद्र पुरी पाद जी का जो भजन स्थली है गोवर्धन में, शील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एक कथा बताते थे उनके विषय में कि गोपाल ने आके माधवेंद्र पुरी पाद जी को क्या बोला। उन्होंने माधवेंद्र पुरी पाद जी हरि नाम कर रहे थे, हरि नाम करते करते तुंद्रा आ गई और उतने में ही उनके स्वप्न में आते हैं बाल गोपाल और उनको क्या बोलते हैं कि हम यहाँ पे छुपे हुए हैं, हम यहाँ पे धरती के नीचे हैं, हमें यहाँ से बाहर निकालो। तो ये हरि नाम कर रहे थे, स्वप्न में कौन आया? एक बाल गोपाल भगवान स्वयं आए और क्या इशारा करा कि मैं यहाँ पे हूँ, इस टीले के नीचे से मुझे बाहर निकालो। तो आसपास के ब्रजवासियों को लेके गए, हाथ में फुआवड़ा आदि औजार लेके गए और जब भूमि को हटाना शुरू किया तो वहां से उनको कौन मिलते हैं? श्रीनाथ जी। तो यहाँ पे बताया कि देखो तीनों वस्तु एक है, वो हरि नाम कर रहे थे, हरि नाम की कृपा से ही साक्षात कौन है? नाम और नामी अभिन्न है। उनके सपने में कौन आए? साक्षात भगवान आए और क्या बोले? मैं यहाँ पे छिपा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरे को यहाँ से बाहर निकालो। तो वहां पे वो कौन थे? साक्षात श्री विग्रह थे। तो नाम, श्री विग्रह और नामी तीनों एक ही वस्तु है। उसके बाद जब वहां पे भगवान श्रीनाथ जी प्रकट हुए तो माधवेंद्र पुरी पाद जी ने कितने दिन तक आसपास के सब गांव वालों को बुला के अन्नकूट महोत्सव किया और श्रीनाथ जी ने ही इनसे क्या बोला कि मुझे गर्मी लगी है, मेरे लिए चंदन लेके आओ। तो भगवान जो सेवा ग्रहण करते हैं अपने प्रणय भक्तों से ही सेवा ग्रहण करते हैं। जब तक कोई भगवान का प्रणय भक्त नहीं होता उसकी सेवा को भगवान ग्रहण नहीं करते। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं गौर आमार जे सब स्थाने करी लो भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरी वो आमई प्रणय भगत संगे। प्रणय भगत, और जब कोई प्रणय भक्त भगवान की सेवा करता है उसमें वो साधारण लोगों की जो भी वस्तु लेता है उसको भगवान की सेवा में लगाता है, उससे वो कृत कृतार्थ हो जाते हैं। हम लोग भगवान की डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकते, केवल इन्हीं प्रणय भक्तों के माध्यम से ही हम लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं। और फिर माधवेंद्र पुरी पाद जी किस प्रकार से साक्षी गोपाल खीरचोर गोपीनाथ ये सब हम लोग जानते ही हैं। और आज एक विशेष तिथि और भी है, शिला श्रीनिवास आचार्य जी का आज आविर्भाव तिथि है। महाराज जी ये नित्यानंद प्रभु माधवेंद्र पुरी पाद जी से मिले थे ना, उनकी शिष्य थे ना नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु ने भी चैतन्य चरितामृत में आता है कैसे माधवेंद्र पुरी पाद जी का दर्शन किया और उन्हीं से ही दीक्षा ग्रहण करी है। अद्वैत आचार्य जी ने भी उनसे दीक्षा ग्रहण करी है माधवेंद्र पुरी पाद जी से। तो यहाँ पे ईश्वर पुरी पाद जी तो उनके शिष्य। तो बोलो माधवेंद्र पुरी पाद की जय। फिर आज है श्रीनिवास आचार्य प्रभु। ये तीन जब हमारे चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद हमारी संप्रदाय महाप्रभु ने इन छह गोस्वामियों को कार्य दिया था, लुप्त तीर्थ उद्धार, ग्रंथ प्रकाशन, श्री विग्रह की सेवा एवं प्रचार। तो जो प्रचार की सेवा है, हमारे जो छह गोस्वामी थे इन छह गोस्वामियों ने ग्रंथ प्रकाशन करने के बाद जो प्रचार की सेवा के लिए तीन स्तंभ आए, वो तीन स्तंभ कौन थे? नरोत्तम, श्रीनिवास और श्यामानंद प्रभु। इन तीन लोगों ने, जितने भी हमारे गोस्वामी ग्रंथ थे इन सब लोगों ने जीव गोस्वामी जी का आश्रय ग्रहण किया। श्रीनिवास आचार्य शिष्य हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के, नरोत्तम दास ठाकुर जी शिष्य हुए लोकनाथ दास गोस्वामी जी के, लोकनाथ दास गोस्वामी जी गदाधर पंडित जी के शिष्य थे, और नरोत्तम, श्रीनिवास और श्यामानंद प्रभु जो कि शिष्य थे हृदय चैतन्य जी के। इन तीनों को उस समय जीव गोस्वामी जी सार्वभौम थे,
जीव गोस्वामी जी कौन सी सभा थी, वो विश्व वैष्णव राज सभा, तो जीव गोस्वामी जी के समय वो सारे वेदों को जानने वाले, जीव गोस्वामी सारे शास्त्रों को जानने वाले, तो इन तीनों ने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया जीव गोस्वामी जी के पास, और फिर जीव गोस्वामी जी ने ही इन तीनों को एक बैलगाड़ी के अंदर सारे ग्रंथ रख के प्रचार के लिए भेज दिया। और जब ये लोग प्रचार के लिए जा रहे थे, श्रीनिवास आचार्य जी की पहले हम सुनते हैं यहाँ पे उनकी भजन पद्धति कैसी थी। श्रीनिवास आचार्य जी जब ब्रज में आए, ब्रज में आने के बाद जब उन्होंने चरण आश्रय ग्रहण किया गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का, किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे रह के भजन किया है, गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे, गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते उनको भगवान कृष्ण के दर्शन होते थे, दर्शन होते ही मूर्छित हो जाएंगे, मूर्छित होने के बाद हा राधे हा कृष्ण जैसे हम सुनते हैं हमारे गोस्वामी वर्गों का भजन है, हे राधे ब्रजदेवी के चललिते, हे नंद सोनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले कालंदी वनय कुता। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे ब्रज में रह के बहुत भजन किया। उसके बाद जब अपने गुरुदेव की आज्ञा से जब वो जा रहे थे, रास्ते में एक स्थान हिम्ब क्या नाम था उसका राजा का, हिम्बा ऐसे कुछ करके था ना, बीरहम्बी राजा, तो बीरहम्बी राजा को उसके जोशी ने बोला कि भाई आज यहाँ से एक ऐसी बैलगाड़ी है, उसमें इतना धन है, इतना धन जितना धन कुबेर के पास भी नहीं है। तो उसके मन में लालच आ गया, इतना धन जो कुबेर के पास भी नहीं है, और रातों रात जब ये लोग वहां से जा रहे थे, इनकी उस बैलगाड़ी को उसने वहां से चोरी कर लिया। जब वहां से चोरी कर लिया तो तीनों गुरु भाइयों ने देखा कि अब करे तो करे क्या, तो वहां पे श्रीनिवास आचार्य जी ने बोला नरोत्तम दास ठाकुर जी को, आप जाइए प्रचार कीजिए। नरोत्तम दास ठाकुर जी मणिपुर की तरफ उस तरफ गए प्रचार करने के लिए, जो श्यामानंद प्रभु थे वो गए उड़ीसा की ओर प्रचार करने के लिए, और श्रीनिवास आचार्य जी वहीं पर रुक गए। और वहां पर रुकने के बाद पता करने लगी कि ग्रंथ है किसके पास, और पता करते हुए फिर उनको बाद में पता चलता है कि ये ग्रंथ इस राजा के पास थे, और उन्होंने राजा को कथा सुना के राजा को ही परम वैष्णव भक्त बना दिया। और राजा ने फिर उनके पास जाके प्रायश्चित हेतु बताया कि कैसे सारे प्रार्थना किया, एक मिनट क्या मैं कथा कर सकता हूँ, और तो बोले हाँ कथा कर सकते, इतने सुंदर उन्होंने गोपी गीत उन्होंने व्याख्या की, सब कुछ सुने जीव गोस्वामी सुने, और हमारे विश्वनाथ पिता पिता सब इतना सुंदर उन्होंने गोपी गीत गाए, इतने लोग वहाँ पर थे ना, वे सब के सब लौट आने लगे, लौट करो था इतने सुंदर बोलती थी राजा कृष्ण, फिर उन्होंने आकर के दिन देखा वो रात में क्या करते, रात को रो रहे हरिनाम कर रहे, उन्होंने बोले भैया क्या क्या बात है, तो उन्होंने कभी बात बताई, ऐसे ग्रंथ ला रहे थे, ऐसे रास्ता में चोरी हो गया, इसलिए अभी ग्रंथ के लिए हम यहाँ आया, पता नहीं कि सर उन्होंने बताया। तो इस प्रकार से श्रीनिवास आचार्य जी ने बहुत सेवा करी, और ये किनके पुत्र थे, ये पुत्र थे चैतन्य दास के। जब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु का कटवा में संन्यास हो रहा था, तो महाप्रभु की संन्यास की लीला को देखे वहाँ पे सब लोग बहुत क्रंदन करने लगे, तो वहीं पास के गाँव के एक सज्जन आए थे, महाप्रभु की जब उन्होंने संन्यास की लीला देखी वो इतना क्रंदन किया, उन्होंने इतना क्रंदन किया कि जब वो घर भी चले गए तो पूरे बैरागी की तरह केवल दिन रात रोते रहते थे। तो उनके गांव वाले ने उनका नाम रख दिया चैतन्य दास, क्यों, क्योंकि हमेशा दिन रात चैतन्य चैतन्य करके क्रंदन करते हैं महाप्रभु को संन्यास देखते। तो यही जो चैतन्य दास थे महाप्रभु के परिकर, जब हर साल जो चतुर्मास आता है, चतुर्मास में बंगाल के सारे भक्त लोग जाते थे जगन्नाथपुरी महाप्रभु के पास, वो जब चैतन्य दास महाप्रभु के पास पहुंचे, वहाँ पे उनकी पत्नी की इच्छा थी कि मैं महाप्रभु से ये वर मांगूं कि हमको एक वैष्णव पुत्र की प्राप्ति हो, लेकिन बोलो तो बोलो कैसे, चैतन्य दास को कुछ मांगे ही नहीं। तो महाप्रभु उनके हृदय को समझ के महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया था कि बहुत जल्दी जगन्नाथ जी तुम्हें तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो इन्हीं के भी गर्भ में फिर श्रीनिवास आचार्य जी आए थे। हमारा एक ग्रंथ है भक्ति रत्नाकर, उस भक्ति रत्नाकर ग्रंथ को पिछले साल पढ़ा था, लॉकडाउन में भी इतना स्मरण नहीं है,
लेकिन भक्ति रत्न नाटक के अंदर श्रीनिवास आचार्य प्रभु की बहुत सुंदर सुंदर बड़ी अद्भुत लीलाओं का वर्णन है, किस प्रकार से उन्होंने वहाँ पे प्रचार किया कि एक बार उनको कोई बहुत बड़ा चोर मिल गया, डाकू मिल गया, तो जब वो प्रचार कर रहे थे, बड़े बड़े चोर होते थे या डाकू होते थे, जो दुष्ट होते थे उनको भी कैसे एक बारी में ही भगवान का भक्त बना देते थे। जिस प्रकार से हम सोचते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को देख के लोग भक्त बन जाते थे, उसी प्रकार से इनका भी था। जब ये वृंदावन की ओर जाते थे, वृंदावन की ओर जा रहे हैं तो केवल रोते हुए जा रहे हैं, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। इनके क्रंदन को देख के कि किस प्रकार से एक युवा बालक भगवान कृष्ण के लिए क्रंदन कर रहे हैं, कि क्रंदन को देख के पूरा का पूरा गाँव वैष्णव बन जाता था। इस प्रकार से इनका इन्होंने बहुत विभुर रूप से इसका प्रचार किया। बोलो श्रीनिवास आचार्य प्रभु की जय। श्रीनिवास आचार्य प्रभु का यहाँ पे समाधि भी है, उनकी एक बड़ी अलौकिक घटना भी आती है जिसके अंदर वो राधा जी की एक सेवा करने के लिए अपने ही इस देह में समाधिस्थ हो गए थे, और राधा कुंड पे जाके उन्होंने राधा जी की एक सेवा करी थी, विशेष सेवा जिसमें इनके एक शिष्य थे रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। और ये दोनों गुरु भाई हुए, नरोत्तम दास और श्रीनिवास आचार्य, और रामचंद्र कौन हुए, इनके शिष्य। तो कभी भी क्या गुरु शिष्य का संग मांगता है, लेकिन यहाँ पे देखो नरोत्तम दास ठाकुर जी अपने शिष्य का संग मांग रहे हैं, अपने गुरु भाई के शिष्य का, क्योंकि इनके शिष्य थे रामचंद्र, श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे रामचंद्र। एक बार क्या होता, इन्होंने कुछ सेवा में कुछ त्रुटि कर दी थी, तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने इनको झाड़ू मारा था, ऐसा कुछ खास है, झाड़ू या कुछ मारा था, पीठ पे मारा था, और बाद में जब देखा तो वही चिन्ह उनको अपने गुरुदेव यानी कि इनके जो गुरु है श्रीनिवास आचार्य उनकी पीठ पे दिखा था। और किस प्रकार से इनके शिष्यों की सेवा थी श्रीनिवास आचार्य जी की, शिष्य थे श्रीनिवास आचार्य उनकी सेवा थी, जब राधा जी का बेसर या कुछ खो गया था तो वहां पे उसको नाग का बेसर खो गया था, उसको ढूंढने के लिए स्वयं श्रीनिवास आचार्य जी अपने इस देह को समाधि में रख के उस लीला में चले गए, और उसके बाद जब कई दिनों तक आए नहीं तो उसको ढूंढने के लिए फिर इन्हीं के शिष्य बोले कि मेरे देह करना, मैं भी गुरु की सेवा करने जा रहा हूँ। तो रामचंद्र जी भी अपने देखो इसी में समाधि में रख के वो फिर राधा जी की लीला में गए, और वहां पे जाके बेसर मुक्ति दी, फिर दोनों वापस अपने शरीर में आए। तो इस प्रकार से इनकी सेवाएं थी। और एक इनका बहुत जी बता ना साउथ वहां पे था, कोई कुमार बन जाता है, कोई संस्कृत बोलने वाला पान बेचने वाला बन जाता है, कहाँ का था वो, इसी राज्य का, कुछ बच्चे लोग जा रहे थे भेड़िया लेकर, ब्राह्मण का तो बच्चे भेड़ियों को लेकर जा रहे थे काली देवी की पूजा कराने के लिए, हो गया तो जब काली माँ की पूजा करने ले जा रहे थे, इतने में दो ब्राह्मण बच्चे थे देखने में बड़े सुंदर, और इतने में कहती ये श्रीनिवास आचार्य रामचंद्र पंडिताचार्य, उन्होंने देखा देखो इसलिए उन्होंने देखा इतने सुंदर ब्राह्मण बच्चे और भेड़िया को ले जा रहे काली मैया को बलि देने के लिए, फिर इन लोगों ने किया चलते ना उनको हरी कथा सुनाते 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 इतने सुंदर हरी कथा सुनाए, बात तो जो ब्राह्मण बचे थे ना बलि जीवन का अगर हम क्या कर रहे हैं, काली मैया के लिए बलि के लिए ले जा रहे हैं, जीव हत्या करने के लिए, इसलिए बड़े दुखी हो गए, दुखी होकर पूरा भेड़िया भेड़िया को छोड़ कर दिए और इनको साथ में साधु बने, जब साधु बने गए इतने में ये बात उसने जाकर के जो ब्राह्मण जो था जिनका बेटे थे उन्होंने जा करके राजा से शिकायत कर दिया, राजा ने क्या किया इनको शास्त्र में परास्त करने के लिए ब्राह्मण को भेजा, लेकिन उन्होंने उनको भी उन्होंने परास्त कर दिया। तो उन्होंने फिर बड़े बड़े विद्वान को बुलाया, जब उनको बड़ा बड़े बड़े विद्वान को बुला रहे हैं
कई लोगों ने क्या किया, कोई पान बेचने वाले श्री राम, अरे कोई लकड़ी बेचने वाले, कोई कलसी बेचने वाले, कई से सर पर पगड़ी बांध करके माला को छुपा करके श्री राम में सब बैठ गए। जहाँ पर बड़े बड़े पंडित लोग आ करके उनके साथ में शास्त्रार्थ करेंगे, तब उन्होंने आकर बैठेंगे वहीं पर बैठ गए। अरे जब ये लोग जो पान खाने वाले थे और जो रोटी बनाने वाले थे, जब मटकी लाएंगे, अरे जब वहाँ पर गए ना, उन्होंने कैसे संस्कृत भाषा में उन्होंने बात किया, ऐसे अरे संस्कृत भाषा में बोले कस्टम, तुम कौन हो, और ना अपना अपना नाम बताया, मेरा नाम ये, तो ये शरीर का नाम का अपना ना आत्मा का नाम तुम बता रहे हो, ये शरीर तो बंसा जीर्णा जी बता ऐसे ऐसे गीता वेद पुराण के ऐसे संस्कृत भाषा में बात किया ना। बोले बाबा हमारे जहाँ पर हिंदी भाषा आचार्य रामचंद्र कविराज रहते हैं, उनके गांव में जो पान बचने वाले और कलसी और लकड़ी बचने वाले ये संस्कृत में बात कर रहे हैं, हैं? ये संस्कृत में और सब आध्यात्मिक गीता वेद पुराण का फिर जब ये कैसे नहीं हो, भैया भागो यहाँ से, सब आदिवासी भागे, फिर भाग गए तो फिर माता देवी ने सपना दिया राजा को, देखो ये हमारी परम भक्त है, तुम का छठ, ये हमारी परम भक्त है, इनका शिष्य बन नहीं तो तुम्हें गला का माँ की स्वप्न बांध करके सब लोग शिष्य बना। कहते जो रामचंद्र श्रीनिवास आचार्य एक स्थान है, हम लोग जो ब्रजमंडल परिक्रमा करने लिए जाते हैं उस स्थान को कभी जाते थे, कहते एक समय वो वहीं पर बैठ कर भजन कर रहे थे, भजन करते समय कहते जो रामचंद्र कविराज इनकी शादी में ये दूल्हा बन करके जा रहे थे, जैसे एक गाँव को दूसरे गाँव में जाओ बारिश में बैठाने के लिए जाते ले जाते, बड़ी दूर तो भी जाएंगे गाजे बाजे के साथ में चले रहे थे, और उन्होंने जहाँ पर श्रीनिवास आचार्य भजन कर रहे थे उन्होंने देखा बहुत दूर तो ना गोलियाँ रोक लेते विश्राम कर रहे थे, जो वहाँ पर उन्होंने विश्राम किए इतने में देखा वहाँ पर श्रीनिवास आचार्य भजन कर रहे हैं, जब भजन कर रहे हैं और श्रीनिवास आचार्य रामचंद्र कविराज को देखे इतने सुंदर बैठा, कहाँ ये बलि चढ़ने जा रहे जेल भर लिया, तुलसीदास जी कहते हैं तो वो रामचंद्र कविराज को उन्होंने श्रीनिवास की बड़ी सुंदर कथा सुनाई, कहते जो शादी ना शादी नहीं बढ़वा दी है, तुम जो बीए बीए शादी का कहते हैं दोला में चढ़ करके जा रहे हो ना, और दोले में नहीं अभी जेल में ले जा रहे हैं, तुमको बांधने के लिए हाथ पैर बांध के पिटाई से हो जाएगी, हैं? इसलिए पहला दिन तक लड़की रोती है और जिंदगी भर तुम रहोगे और जिंदगी भर, हैं? उन्होंने ऐसे ऐसे कथा सुनाई, ये शादी क्या संसार किया, ये माया किया, ऐसे ऐसे उन्होंने कथा सुनाई ना, वो शादी क्या करेगा वो सही साहब साहब रुपया तुम लोग चले जाओ बाबा, केवल कहना तुलिया लगनाथ नश्वर का जीवन में अगर एक लाभ साधु संघ हो, एक लाभ साधु इतने महिमा स्वर्ग मुख्यतः आनंद से उसके साथ से बराबर नहीं करता, इसलिए इनकी थोड़ी सी संघ से ही पूरा चुना पूरा जीवन में साधु बन गया। श्रीनिवासाचार्य जी ना राजा वीर हम भी डाकुओं का सरदार था, केवल एक तीन गोपी गीत सुनाया तो एक तीन गोपी गीत सुना कर उनको सिर्फ जो सरदार था डाकुओं का उनको एक दिन गोपी गीत सुना कर सकते तो उन्होंने साधु बना दिया, बहुत बड़े साधु बन गए वो, केवल एक दिन गोपी गीत का संघ का फल, इसलिए इनका बड़ा प्रभाव श्रीनिवास आचार्य का। इसलिए आज श्री गोपाल गढ़ ना पूरी तरह से वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, फिर जब नदी वाले तो वितरण तो प्रकट हो गए, फिर जब यहाँ पे हाँ इनके बहुत सारी कथा है, इसलिए आज श्री गोपालगढ़ गोस्वामी का भी आज आपके लिए बात होती है, इसलिए आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, राधा रमण का आज श्री राधा रमण का प्राकट्य दिवस है, श्री गोपालगढ़ गोस्वामी ने ही ये जब उन्हें आ रहे थे महाप्रभु जब गए थे कहाँ पर दक्षिण यात्रा गए थे, तब इनके घर में ही है साधु संघ हो गई, हम लोग देखे हम लोग गए थे हाँ हम जब श्रीरंगम गए थे जहाँ तक श्रीमद महाप्रभु होते थे चार महीना को स्थान अभी शुरू स्थान वो तो
जहाँ पर वेंकट भट्ट और श्री प्रबोधानंद सरस्वती जहाँ पर बैठ करके ये हरि कथा हुई, इसलिए महापुरुष का संग्रह से ही ये सब के सब कृष्ण भक्तों से पहले ये श्री नारायण ही सब के सब भक्त थे, लेकिन महापुरुष का संग्रह से सब के सब श्री हमारे महापुरुष की धारा में सब के सब आ गए। और गोपाल भट्ट गोस्वामी उसी समय पूरे 11 साल उम्र के और उन्होंने महापुरुष की बड़ी सेवा की। जब चातुर्मास महापुरुष था ना, तब अंदर वार्तालाप होती क्या वार्तालाप हरिकथा होता है, महापुरुष प्रश्न करते हैं श्री इसको वेंकट भट्ट को प्रश्न करते हैं, बोले तुम्हारी नारायण तुम्हारी जो लक्ष्मी वो तो वैकुंठ में रहती है और हमारी कृष्णा तो ग्वाल और रहते हैं वृंदावन में, हमने सुना तुम्हारी जो सबसे बड़ा भक्त जो लक्ष्मी वो हमारी जो ग्वाल और कृष्णा उनको पाने के लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं। आपने कहाँ सुनाई है बात, भागवत में, बोले भागवत मैंने भी पढ़ाई हमें भागवत में तो बात मिले ही नहीं, कहाँ लक्ष्मी भगवान को पाने के लिए कहाँ तपस्या कर रहे हैं। और महाप्रभु ने 34 स्थानों से श्लोक उन्हें कर एक श्लोक है उद्धव जब श्री ब्रज में आते हैं जब राधा रानी की प्रेम वैचित्रता को दर्शन करके उन्हें 5 श्लोक उन्होंने ब्रज गोपियों की राधा रानी की महिमा को गाते हैं, उसमें एक श्लोक है कौन सा श्लोक है बोलो, कौन सा श्लोक है मतलब जो सौभाग्य ये लक्ष्मी को ही प्राप्त नहीं हुआ वो सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ, गोपियों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कृष्ण क्या किया गोपियों के साथ में रास करते करते इतने सुंदर जो हस्त है उन्हें राधा रानी की गोपियों के गले में जैसे एक बच्चा गलवैया देख रहे मैया से गोपी मांगती है उसी तरह कृष्ण कहा करते थे गोपियाँ रास छोड़ करके मत जाया करो एक रास का रस खत्म हो जाएगा कभी, ये श्लोक उसमें और एक श्लोक है उसमें 2 श्लोक है और तीसरा जो श्लोक उन्होंने बताए कदनाथ पत्नियाँ जब इसलिए कहते हैं इस श्लोक में बताया विहाय कामान लक्ष्मी जब कृष्ण की महिमा को रासलीला की महिमा को सुनती है वो वैकुंठ सुख को भी छोड़ करके क्या कर रही है विहाय कामान अभी तक भी कहाँ पर बैल वन में बैठ करके अभी तक भी तपस्या कर रहे हैं कृष्ण को पाने के लिए रास्ते में प्रवेश करने के लिए। जब महाप्रभु ने ये श्लोक को सिखाया ना रिकॉर्ड करता आपसे अपनी पढ़ी अगर मैंने भागवत पढ़ा लेकिन मेरा तो इसमें नजर ही नहीं आया, इसलिए कहते हैं जहाँ भागवत पढ़ा वैष्णव स्थान एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण चैतन्य भक्त तुम्हें नित्य कर संग तबे तो बुद्धि है तुम्हें सिद्धांत तरंग, अगर सिद्धांत का तरंग में अगर प्रवेश करना तो क्या करना पड़ेगा कहते वैष्णव का अनुवर्तन, कौन सा वैष्णव है कहते महाप्रभु को धारा में चैतन्य भक्त तुम्हें नित्य कर महाप्रभु का भक्त का अनुवर्तन करना पड़ेगा तभी ये सिद्धांत में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने पूरा की पूरा कई से परिवर्तन हो गए और महाप्रभु चातुर्मास के बाद में जब महाप्रभु वहाँ से चलने के लिए तैयारी हुए गोपाल भट्ट भी जाने के लिए तैयार हुए 11 साल उम्र महाप्रभु बोले अभी तुम घर में रहो पिता माता की सेवा करो जब तुम्हारी पिता माता शरीर छोड़ देंगे तभी तुम वृंदावन में आ सकेंगे ना, अभी पिता माता की सेवा तो महाराज जी हमारे गुरुदेव कहा करते थे कहते क्या महाप्रभु क्या यही बताना चाहते हैं अभी पिता माता की तुम सेवा करो भगवान सेवा से पिता माता की सेवा सकते है अभी तुम पिता माता की सेवा करो पिता माता जब तक शरीर नहीं छोड़ते तब तक रहो उसके बाद में चले आओ क्या महाप्रभु ये शिक्षा देना चाहते तुम्हारे भक्ति अगर नारायण महाराज कहते तुम नहीं बोले क्या है महाराज कहते थे महाप्रभु को पता है कौन सा भक्तों को द्वारा उन्होंने क्या क्या ग्रंथ प्रकाशन करेंगे उनको पता है। अभी जैसे हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय अभी
जो 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 कैसे सेवा पूजा करनी चाहिए ठाकुर जी को, जो नीति नियम है कैसे होनी चाहिए, क्योंकि ये जो विचार है क्योंकि रामानुज संप्रदाय में बड़े स्त्री नियम, क्योंकि वैदिक भक्ति में भक्ति उपासना करने वाले इसलिए बड़ा स्ट्रीट उनका नियम है। इसलिए महाप्रभु चाह रहे थे हमारे गौड़ीय संप्रदाय में भी ऐसे कुछ ग्रंथ प्रकाशित हो, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने प्रकाशित किया, जैसे हमारे हरि भक्ति विलास है इसलिए उन्होंने प्रकाशित किए। इसलिए महाप्रभु चाह रहे थे हमारे संप्रदाय में भी कुछ है भगवान की सेवा पूजा की नीति नियम का अनुरूप ग्रंथ बने, लेकिन वो संप्रदाय में बड़े दृढ़ पूर्वक है। इसलिए बोले यहाँ रह करके सब 11 साल उम्र के अध्ययन करेगा भविष्य में, फिर हमारे संप्रदाय के लोग ने समस्त ग्रंथों को रचना करेगा। इसलिए महाराज कहते थे, इसलिए महाराज प्रभु बोले अभी तुम नहीं रह जाओ, रह करके सब सीखो, बाद में हमारे संप्रदाय का काम में आएंगे। जब पिता माता चले गए, फिर जब आए तब ने गंडक नदी होते हुए आए थे, वहीं से उन्होंने कितना सालग्राम हमने जैसे 11-12 सालग्राम लेके थे आए और उसको अपना गले में है झुलाते हुए यहाँ पर गली जैसे झुलाते हुए जब वृंदावन में आए, जब वृंदावन में रहे रहने पर अभी झूला का समय आया। अभी झूला का समय में भक्त लोग अपना अपना ठाकुर जी को झूला में बैठाएंगे। किसी सेठ ने हर मंदिर मंदिर में ठाकुर जी के लिए कुछ नए नए पोशाक को देख रहे गए, गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी देख रहे गए, बोले तुम भी अपना ठाकुर जी को पहनाना झूला में झूलाना। बोले मेरे पास में तो गोलगढ़ ठाकुर जी गोलगढ़ है मेरे पास में, ये तो ठाकुर नहीं उनको श्रृंगार कैसे करेंगे। अभी उनकी मैंने इच्छा हुई अगर मेरे पास में भी जीवल भंकार होते कृष्ण होते मैं भी ठाकुर जी को झूला में बैठा करके मैं भी झूला था। अभी इनके मन में इच्छा हुई, जब इच्छा हुई क्योंकि कृष्ण जी आपसे कौन है बोलो एक रत्ती मंजिल जी ना आती है, अनंग मंजिल भी आती है और एक आती है इसलिए उनको दो नाम आती है। इसलिए ये कृष्ण लीला में किए राधा रानी की मंजरी। अभी जब इनकी मन में इच्छा हुई और ठाकुर जी को रात को शयन करवाए और सवेरे जब यमुना में स्नान करके जब आईना आ करके जब देखा वो सालग्राम बड़े सुंदर त्रिभंग ललित रूप में ठाकुर जी खड़े होकर के भक्ति बजा रहे बस राधा रमन लाल जय। जब उन्होंने देखा ठाकुर जी बड़े सुंदर त्रिभंग ललित रूप को सब उन्होंने सब गोस्वामियों को निमंत्रण दिया, सब भक्तों को शायद वृंदावन भजन कर रहे थे सबके सब आए और आ करके जब ये ठाकुर को देखा है ना इतने सुंदर ठाकुर ठाकुर को ठीक से देखोगे ना उनका और शास्त्र में जैसे वर्णना की गई है जैसे वर्णना की गई कृष्ण कैसे तीन जगह से कृष्ण इंद्र कितने सुंदर है अगर जैसे वर्णना की गई अगर वो ठाकुर को देखोगे ठीक वैसे ही ठाकुर जी एकदम त्रिभंग ललित रूप में ठाकुर जी खड़े दो दांत भी ठाकुर जी है। इसलिए फिर जिस समय सब गोस्वामी लोगों ने आए उन्होंने इनका नाम रखा राधा रमन नाम रखा है ये एक ठाकुर प्रकाश का कारण है। दूसरा कारण हुआ उनका मतलब गोपाल भट्ट गोस्वामी लोग कहते हैं ये महाप्रभु को उन्होंने कब दर्शन किया था जब महाप्रभु दक्षिण यात्रा किए थे तभी उन्होंने दर्शन किया था, उसको बाद में फिर महाप्रभु का दर्शन नहीं हुआ नहीं होने पर क्या हुआ अभी दिन रात महाप्रभु को दर्शन करने के लिए हैं वो दिन रात महाप्रभु का विरह में रोते थे महाप्रभु का दर्शन और नहीं हुआ दर्शन नहीं हुआ एक बार हुआ था और दर्शन नहीं हुआ महाप्रभु का विरह में आकुलित व्याकुलित होते थे कदम की आकुलित व्याकुलित को देख करके एक जो सालक राम है उस पर राधा रमन रूप में प्रकट हुआ सखा के रूप में इन महाप्रभु का विरह भी प्रकट हुए ठाकुर जी। इसलिए इनका नाम रखा राधा रमन राधा रमन मतलब क्या है उनको गोस्वामी लोग कहते हैं उन लोगों ने बहुत बार कोशिश किया राधा रानी को स्थापना करने के लिए सब मंदिर में हमारे गौड़ीय संप्रदाय हर जगह पर राधा रानी लेकिन
यहाँ पर नहीं राधा रानी, राधा रानी क्यों नहीं, बोले महाप्रभु ही कौन है, महाप्रभु राधा भाव भक्ति सुगलित नवमी कृष्ण स्वरूप, इसलिए कृष्ण स्वयं राधा रानी के भाव अहंकार से लेकर के कृष्ण ही महाप्रभु यहाँ प्रकटित होंगे। ये जो विग्रह है गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु का विग्रह में व्याहित होने पर ठाकुर जी प्रकट विद्यमान, एक विग्रह में राधा रमण द्वारा विद्यमान है, इसलिए राधा रानी कोशिश करने पर भी गोस्वामी लोग कहते कोशिश करने पर भी लेकिन राधा रानी को स्थापन नहीं कर पाए, क्यों कारण है कहाँ पीछे पीछे जो जिस शालिग्राम से प्रकट हुई है तभी वो शालिग्राम पीछे लगा हुआ है जिस शालिग्राम से प्रकट हुई है, इसलिए कहते हैं यहाँ से जिस समय औरंगजेब ने आक्रमण किया यहाँ से सारे ठाकुर चले गए लेकिन केवल एक ठाकुर राधा रमण क्योंकि जो कृष्णा इसलिए कहते हैं कि ये ठाकुर जी के अंदर में गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ये जो तीनों ठाकुर ये एक ठाकुर थी, कहते इनको दर्शन करने से तीनों ठाकुर का फल इनको दर्शन मात्र से बल मिल जाते हैं, ये ठाकुर का दर्शन से इसलिए सब ठाकुर तो चले गए ठाकुर नहीं गए, तो हमारे महाराज कहते थे ये ठाकुर क्यों नहीं गए, सब ठाकुर जी क्यों चले गए, कारण क्या है, कारण है कहते औरंगजेब आक्रमण किया फिर ठाकुर किया क्या मुसलमान से डर के ठाकुर भाग जाते हैं, भगवान क्या ठाकुर क्या ये दुष्टों का डर से भगवान के भाग जाते हैं, बोले नहीं भाग जाते, भगवान भी भगा सकते हैं, कहते ठाकुर जी कब भाग जाते हैं, जब ठाकुर को सेवा पूजा ठीक से नहीं करते, जब ठाकुर की सेवा पूजा ठीक से नहीं करते हैं फिर ठाकुर जी कुछ ना कुछ बहाना ठाकुर जी बनाते हैं जाने का कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं, इसलिए उनकी सेवा में कुछ त्रुटि होने पर उनको जो अनादर होता है ठाकुर की सेवा पूजा कुछ नहीं होता ठाकुर जी